गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हमारा जो आज का टॉपिक है वह है सेमीकंडक्टर। एक्चुअली में जो सेमीकंडक्टर होता है इसे हम अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और ये सेमीकंडक्टर को अगर हम कुछ यूँ समझें तो एक तो होता है, आपने पढ़ा होगा, एक चालक होता है, जैसे कि आपके कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है? चालक हैं। इसमें अगर हम विद्युत की सप्लाई दे दें तो यह क्या करते हैं, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या कि गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम समझें, ये अर्धचालक होते हैं, ये चालक की भी तरह काम करते हैं और कुचालक की तरह भी काम करते हैं। कुचालक में हम सप्लाई देंगे तो वो क्या करता है, सप्लाई को आगे नहीं बढ़ने देता है। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है, कुचालक होते हैं। चालक में क्या हो गया, जो हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सब क्या है, चालक हैं। पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अर्धचालक, ना तो ये चालक होते हैं पूरी तरह से, ना ही ये कुचालक होते हैं पूरी तरीके से। मतलब जो इनका नेचर होता है, जो इनकी प्रकृति होती है, चालक की तरह भी होती है और कुचालक की तरह भी होती है। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं यह दो प्रकार से हम इनको बांटते हैं। पहला है एक आंतरिक, यह कि हम उसको शुद्ध या नेज या प्राकृतिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इन चार शब्दों को लिख दिया है कि सेमीकंडक्टर का प्रकार नहीं है, आंतरिक टाइप, शुद्ध टाइप, नेज टाइप, बाहरी, प्राकृतिक, ये सभी क्या है, प्रकार हैं। और इनके अलावा जो भी शब्द होंगे वो प्रकार नहीं है। हालांकि इनके हम आगे और भी पढ़ेंगे, इनके हर तरीके से प्रकार को समझेंगे, मगर अगर मूल प्रकार की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता आंतरिक टाइप का, एक होता बाहरी टाइप का। आंतरिक को हम शुद्ध, नेज और प्राकृतिक भी बोलते हैं, ठीक है ना, नेचुरल। और ये होता है एक्सटर्नल, बाहरी। जो आंतरिक टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं वह दो तरह के होते हैं, या कि सिलिकॉन होगा या कि वो जर्मेनियम का होगा, ठीक है, ये सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा। और जो बाहरी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो पी टाइप का होता है और एन टाइप का होता है, ठीक है। यह हमारे से क्या है, सेमीकंडक्टर के प्रकार हैं। आप इनको देख लीजिए कि एक्चुअल पे सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। आंतरिक में सिलिकॉन टाइप का होता है और जर्मेनियम, ये दोस्तों ये सिलिकॉन है, SI से, और GE से जर्मेनियम है, पी टाइप का है और एन टाइप का। इनके बारे में हम आगे डिटेल से और समझते हैं, तो अभी आप ये देखिए। अब क्या होता है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों, यह जीरो केल्विन पे, कितने पे, जीरो केल्विन पे कुचालक की तरह काम करता है और 300 केल्विन, यानी कि कितना, 300 केल्विन रूम टेम्परेचर, यह कितना कहलाता है, यह रूम टेम्परेचर कहलाता है, रूम टेम्परेचर। इसमें क्या करता है, यह चालक की तरह काम करता है। तो जो हमारा अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि सेमीकंडक्टर कितने केल्विन ताप पर, केल्विन क्या है, ताप की इकाई है, जिस तरह से डिग्री सेल्सियस होती है, जिस तरह से फ़ारेनहाइट होता है, रूमर होता है और केल्विन होता है, तो जो हमारा अर्धचालक होता है वह जीरो केल्विन पे, कैसे केल्विन पर क्या होता है, कुचालक की तरह कार्य करता है और रूम टेम्परेचर पे चालक की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अर्धचालक कहते हैं, कभी वह चालक की तरह कार्य करता है तो कभी वह कुचालक की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वह अगर क्या कहें कि वह चतुर्संयोजी होता है, यानी कि कैसे होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, चतुर्संयोजी होता है। जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में कितना होता है, इसकी परमाणु संख्या 14 होती है, तो सिलिकॉन की 14 होती है, तो इसमें कितने, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम कैसे निकालेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरी कक्षा में
3, 3, 6, 7। दूसरी कक्षा में दोस्तों कितने होते हैं? इसका सिलिकॉन की अगर हम बात करें, इसका परमाणु संख्या 14 होती है। और तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे बड़ी यही पहचान है कि जितने भी अर्धचालक होते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, उन वो चतुर संयोजी होते हैं। क्या होते हैं ये जो अर्धचालक होते हैं? क्या होते हैं? हम यहाँ पर लिखे भी दे रहे हैं, चतुर संयोजी होते हैं। क्या होते हैं? चतुर संयोजी होते हैं। चतुर संयोजी का मतलब यह है कि इसका जो हम जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो इसके अंतिम कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना? इसीलिए चतुर्संयोजी कहा गया है। तो जितने भी किसी भी पदार्थ के अगर बाहरी कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो समझिए वह अर्धचालक है, ठीक है? क्या है वह? अर्धचालक है। और आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना भी चाहिए। इसका फार्मूला 2n² से हम लिखते हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहली कक्षा के निकालने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 और n की जगह पहली कक्षा रखेंगे तो 2 × 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में निकालने के लिए 2 का स्क्वायर है तो 2 × 4 = 8, यानी कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक? तो इस तरह से। और फिर इसका पूरी परमाणु संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो जब 2 और 8 10 हो गए, तो बच्चे कितने? 4। तो मतलब इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसीलिए जिस किसी भी पदार्थ के अगर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो समझिए वह क्या है? वह अर्धचालक है, ठीक? तो अर्धचालक यही चीज़ें होती हैं। पहली बात तो अर्धचालक क्या होता है? उसके वह चतुर्संयोजी होता है, उसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दूसरा, अर्धचालक चालक की तरह भी काम करता है और कुचालक की भी तरह काम करता है। 0 डिग्री 0 केल्विन पे वह कुचालक बन जाता है और कमरे के टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे वह चालक की तरह काम करता है, ठीक है? तो वह रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन पे वह क्या है? चालक की तरह काम करने लगता है। तो यह इसकी प्रॉपर्टी हुई, ठीक? किसकी? यह सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी हुई। तो इसको आप देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने लिख भी दिया है कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर कुचालक की तरह कार्य करता है एवं 300 केल्विन पर चालक की तरह कार्य करता है। दूसरा, सेमीकंडक्टर चतुर संयोजी होते हैं, अर्थात अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? यह सेमीकंडक्टर की बेसिक थोड़ी प्रॉपर्टी है। अभी हमने समझा भी कि सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक आंतरिक टाइप का जिसे नेज या प्राकृतिक या शुद्ध टाइप का भी कहते हैं, दूसरा होता है बाहरी टाइप का। आंतरिक टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, सिलिकॉन टाइप के और जर्मेनियम टाइप के। और जो बाहरी टाइप के होते हैं वह पी टाइप के और एन टाइप के होते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो यह कुचालक की तरह भी काम करता है और सुचालक की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें हैं वो लिख भी दी हैं, ठीक है? तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पर हम समझेंगे आवेश वाहक कौन होते हैं। तो दोस्तों, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं? आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, ये आवेश वाहक का काम करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर में जो धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन के भी कारण होता है और होल्स के भी कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह होल्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है। क्या? इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वह होल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है, तो इलेक्ट्रॉन से के कारण जो जहाँ कहीं भी सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाह होती है उसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। हम आगे NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर वगैरह में आपको बताएंगे, ठीक? तो जो हमारा आवेश वाहक होते हैं वह 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। सेमीकंडक्टर में दोनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, यह होता है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं
जो शुद्ध या प्राकृतिक टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की क्या होती है, संख्या बराबर होती है। क्या होती है? दोनों की संख्या बराबर होती है। शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की संख्या बराबर होती है। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि जो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, ये शुद्ध या नेच टाइप के जो भी अर्धचालक होते हैं उनके प्रकार होते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन पे 14 परमाणु संख्या होती है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक। इनकी संख्या 4 होती है। तो कभी भी अगर एग्जाम पे यह प्रश्न आता है कि अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो उसका उत्तर 4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 ही होते हैं अर्धचालक पे। कोई भी अर्धचालक होगा वह यही प्रॉपर्टी रखेगा कि उसके अंतिम कक्षा यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं 4, वो कितनी होती है, वो 4 होती है। हमने पढ़ लिया कि आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। अभी तक आपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी जब तक पढ़ी तो आप इलेक्ट्रॉन को ही आवेश वाहक समझते रहे होंगे। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, वो अपने पे चार्ज कैरी करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, लाइट स्पीड के इक्वल, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पर होल्स को भी हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं। जो होल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, आवेश वाहक होते हैं। और जो हमारा अर्धचालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है। और जो शुद्ध टाइप के, प्राकृतिक टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ हम थोड़ा देख लेंगे कि जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस समझते हैं ना, अभी हम प्रतिरोध पढ़ा रहे थे, तो जो रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर का, यह चालक से ज़्यादा होता है। क्या होता है, चालक कंडक्टिंग मटेरियल से तो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो धारा कम प्रवाहित होगी, ठीक। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं अर्धचालक, ना तो ये पूरी तरीके से चालक होते हैं ना ही कुचालक होते हैं, तो चालक से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है परंतु कुचालक से कम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है दोस्तों। तो सेमीकंडक्टर में अगर कभी आ जाए कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है कुचालक से, तो कुचालक से हमेशा क्या होता है, कुचालक से कम होता है रेजिस्टेंस, ठीक। तभी तो उसमें कुचालक से ज़्यादा हो जाएगी तो वो कुचालक ही बन जाएगा, उसमें तो इसे भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो फिर कहेगा सेमीकंडक्टर, फिर उसमें धारा ही प्रवाहित नहीं होगी जब कुचालक से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो ऐसा नहीं होता, चालक से ज़्यादा होता है और कुचालक से कम होता है। इसको आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों, तो आपने इसको देख लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे इसको और भी बताएंगे सेमीकंडक्टर के बारे में और इनके प्रकारों के बारे में और अच्छे से जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।